हेलो बच्चों, मैं सुनीता एसटीएस विद्यापीठ से एसटीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके नर्सरी की कक्षा में और हिंदी के विषय में बनाना सीखेंगे न वर्ण। क्या बनाना सीखेंगे हम? न वर्ण। ठीक है बच्चों, इसके पहले के वर्णों को भी हमने बनाना सीख लिया है, आप उनके पहले वाले वीडियो जरूर देख लें। और आज हम सीखेंगे न वर्ण बनाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं न से क्या होता है। ये देखिए, यहाँ पर पिक्चर बनाई गई है। न से होता है नल। क्या होता है? नल, जिसके एक ओर ऐसा ऑन ऑफ टर्न करने वाला बटन होता है, जिसे ऑन करने से यहाँ से पानी आने लगता है और जिसे ऑफ करने से यहाँ से पानी आना बंद हो जाता है। ठीक है, और नल कई तरह के आपको बाजारों में मिल जाएंगे, जो लोग अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं। तो बच्चों ये क्या है? न, न से न। ठीक है, तो चलिए आप हम इसे बनाना सीखते हैं। ये देखिए, ये आपकी हिंदी की जो नोटबुक होती है उसके जैसे हमने यहाँ पर दो लाइन्स बना लिए हैं। तो अब हमें देखना है हम दो लाइन्स में न वर्ण को कैसे बनाते हैं। बहुत ही इजी है बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए। ये देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे न बनाने के लिए, हमें क्या करना है? पहले एक स्टैंडिंग लाइन हमें ऐसे बनानी है, यानी कि खड़ी पाई बनानी है। इंग्लिश में हम उसे स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं और हिंदी में हम उसे खड़ी पाई बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके बीचों बीच से यहाँ से सेंटर से यहाँ बीच से जो इसका बीच का भाग है वहां से हमें एक स्लीपिंग लाइन ऐसे बनाना है। ठीक है, ये हमने बना लिया। अब आपको क्या करना है, आपको इसे नीचे से एक स्लैंटिंग लाइन बनानी है और ऊपर से एक स्लैंटिंग लाइन, जिससे यह बन जाएगा आपका न वर्ण। ठीक है, ये क्या बन जाएगा आपका वर्ण? न। यहाँ से हमने देखा एक स्लैंटिंग लाइन हमने बनाई है और फिर उसके दूसरे तरफ भी हमने स्लैंटिंग लाइन बनाई है और ऊपर हमने एक और स्लीपिंग लाइन बना दी, जिससे यह बन गया आपका वर्ण न। देखा आपने बच्चों कितना आसान है ना। चलिए एक बार हम इसे और देख लेते हैं। ये हो गई एक खड़ी पाई। ठीक है, अब इसके बीचों बीच से हम क्या करेंगे, एक पड़ी पाई ऐसे बनाएंगे, स्लीपिंग लाइन पड़ी पाई। ये हमने खड़ी पाई बनाई ना, अब इसके बाद हम यहाँ पर बीचों बीच से पड़ी पाई हमने बना ली। फिर उसके बाद यहाँ इस पार्ट से हम क्या करेंगे, एक तिरछी पाई ऐसे बनाएंगे, ऐसे ये तिरछी हो गई। अब हम उसके दूसरे तरफ भी एक तिरछी पाई ऐसे बना लेंगे। ठीक है, तो यह हो गया आपका न। ये एक खड़ी पाई हो गई। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बड़ी पाई आपको बनानी है इसके बीचों बीच से लेकर के। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक तिरछी पाई इस तरह से बनानी है और एक तिरछी पाई इस तरह से, जिससे आपका यह वर्ण बन करके तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको यह ना समझ आए तो आप वीडियो को फिर से प्ले करके देखिए, जिससे आपको यह बनाने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या बनाना सीखा, न बनाना। क्या बनाना? न बनाना। न से क्या होता है बच्चों? न से होता है न। ठीक है, और ये जो इसके ऊपर का भाग होता है, इसे हम एक बार गोल घुमाते हैं क्लॉक वाइज में, तो यहाँ से पानी आने लगता है। और जब इसे एंटी क्लॉक वाइज यानी उसके उल्टी दिशा में घुमाते हैं, यहाँ से पानी आना बंद हो जाता है, जिसे हम कहते हैं नल। ठीक है बच्चों, आप इसे जरूर पढ़ें और इसे बनाना सीखें। धन्यवाद।